हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका आज का एग्जाम हुआ फिजिक्स का, उसमें आप कितना सही किए हैं एक बार आप मिला लीजिए। और इस चैनल पे आपको कभी भी मिस्टेक नहीं मिलेगा, इसमें 100% गारंटी है। तो एक बार आप अपना आंसर मिला लीजिए जो कि आज का एग्जाम हुआ है आपका फिजिक्स का, जो 2023 में। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप मिला लीजिए अपना कि कौन सा आपका आंसर सही या फिर गलत है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया बच्चा, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैसे निकलता है। तो जो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r2। आप यहाँ से चाहे तो आप यहाँ से इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला निकालोगे तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला निकल जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 r2। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, क्यू वन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है 80, चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला था 80, Q1 × Q2 है, यहाँ पर हो जाएगा a^2 t^2, और यहाँ पर f का हो जाएगा m l t^-2, और डिस्टेंस का हो जाएगा l2। जब इसको सॉल्व करोगे तो m^1 है ऊपर चला जाएगा, तो m^-1 हो जाएगा। l^1 l^2 है तो ऊपर चला जाएगा, तो l^-3 हो जाएगा। a^ यहाँ पर बच जाएगा 2, लेकिन t^-2 है ऊपर चला जाएगा, तो t^ हो जाएगा +2, पहले से था तो हो जाएगा +4। तो इसका जो सही आंसर होगा m^-1 l^-3 t^4 a^2, इसका सही आंसर है सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसे पूछ रहा था कि गॉस लॉ के अनुसार गॉस लॉ होता है क्या है बच्चा। उसमें बताए थे जब आप पढ़े होंगे क्लास में कि जो फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है किसका, चार्ज का। तो इसको जो सही आंसर है सेकंड नंबर सही आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं यहाँ पर, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है कितना भी बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है आपको 2 कूलम चार्ज में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 कूलम चार्ज में कितना होगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से बना सकते, फॉर्मूला यूज करते थे क्यू इक्वल टू एन ई का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगाते, क्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चा क्यू इक्वल टू एन ई, यहाँ से एन का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बाई ई, क्यू का वैल्यू 2 पुट करना था और ई का वैल्यू था 1.6 × 10⁻¹¹. ये जब सॉल्व करोगे तो 2 1.6 और ये 19 ऊपर चला जाएगा, तो -19 ऊपर जाएगा +19 में आ जाएगा, तो 19 यहाँ ऑप्शन में, इसको जब डिवाइड करोगे 2 को 1.6 से तो आएगा 1.25 × 10⁻¹⁹. तो इसका जो सही आंसर है 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। जो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए यहाँ पर, 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है बच्चे आपको याद होना चाहिए, C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहाँ से हम यदि ऑब्जर्व करते हैं तो C और D में कैसा रिलेशन है बच्चों, इन्वर्सली है। तो बोलता है यहाँ पर कि डिस्टेंस को आधा किया गया, तो जब डिस्टेंस को हाफ कर देंगे कैपेसिटेंस 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसका सही आंसर है 1 नंबर, 4 का आंसर है ए नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है इसमें। 5 नंबर जो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू बताना है कोई भी चार्ज कंडक्टर पे, कि कोई भी चार्ज स्फेरिकल सेल है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है बच्चा किसी भी सेल के अंदर V का मान क्या होता है, कांस्टेंट। इसका सही आंसर है 2 नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, 6 नंबर जो क्वेश्चन बोलता है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताना था डायपोल के कारण। तो जो डायपोल का 2 पोजीशन आता है बच्चा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्टेंस आता है वो आर क्यूब में आता है, और जो पोटेंशियल का आता है वो 1/r2 में आता है। तो ये आपका पोटेंशियल का था बच्चों, ये आपका पोटेंशियल का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले ऑप्शन में, तो यहाँ पर यदि हम सर्च करते हैं तो ये ऑप्शन आता है 4 नंबर। इलेक्ट्रिक फील्ड में आर क्यूब का होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आर स्क्वायर का होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है 7 नंबर बोलता है लूप रूल। तो यहाँ पर 2 रूल पढ़ाया गया था आप लोगों को, एक जंक्शन रूल होता है और एक लूप रूल होता है। लूप रूल जो रहता है वो सेकंड लॉ से रिलेटेड है, सेकंड लॉ जो रिलेटेड है वो एनर्जी से, और जो फर्स्ट लॉ होता है जंक्शन रूल होता है करंट से रिलेटेड होता है, बोल सकते हैं चार्ज से रिलेटेड होता है। तो 7 का आंसर है 4 नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका,
एट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 4.2 × 10⁻⁴, और ये आपका दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो मोबिलिटी होता है बच्चा वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 4.2 × 10⁻⁴ और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 2.1 × 10⁻¹। ये तो 2 times कट जाएगा बच्चों, और ये 2 times कट जाएगा, ये -4 और ये 10 ऊपर चला जाएगा तो +10, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁶। इसका सही आंसर है सेकंड नंबर 8 का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर, 9 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट डेरिवेशन से बच्चा इसमें कि जो फोर्स काम करता है वो किसके बराबर काम करता है, तो F इक्वल टू जो वेक्टर फॉर्म में होता है F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। इसका जो सही आंसर है सी नंबर, थर्ड नंबर, 9 का थर्ड नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, इसमें देखिए 10 नंबर न्यूमेरिकल्स है, अब बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स था इसमें। इसमें जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं आप, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो उसमें बी का जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बटा 2 आर। इसमें यदि नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है तो एन से इंटू हो जाएगा। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁷, और एन का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, कितना नंबर ऑफ टर्न्स थे बच्चों 100, और करंट का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों 3.2 एम्पियर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.2 एम्पियर डिवाइडेड 2 और इनटू आर का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में लाएंगे तो हो जाएगा 0.1। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो हो जाएगा 2π और ये बच गया 3.2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2π × 3.2 × 10⁻⁷ है, ये 10⁻² है तो ये -5 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 1 0 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻⁴। जब इसको सॉल्व कीजिएगा पाई का मान पुट कीजिएगा 2 × 3.14 × 3.2 × 10⁻⁴। जब इसको सॉल्व की 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 2 point something आएगा, 20 point something आएगा × 10⁻⁴। तो इसी को ले सकते हैं 2.01 × 10⁻³ टेस्ला। तो इसका जो सही आंसर है ए नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है बच्चों, इसमें थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है कि इसमें से कौन सही नहीं है। तो बोलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा वो कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाया गया, ये सही है। ऑप्शन मतलब ऑप्शन आपसे पूछा कि कौन सही नहीं है, तो ये सही बात है। टेंजेंट जो होता है डायरेक्शन दिखाता है, ये सही बात है। जो आपका इसमें लार्ज नंबर ऑफ फील्ड और मैग्नीट्यूड दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड का सही है। बोलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता, ये सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा 4 नंबर। तो ये आपका क्वेश्चन का 11 का आंसर हो गया 4 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या बोलता है। ये डायरेक्ट ऐसा ये आपका मॉडल सेट से क्वेश्चन दिया हुआ था कि बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है बार मैग्नेट, कोई भी बार मैग्नेट यदि रहता है उसमें, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी बार मैग्नेट में आपका 2 पोल होता है, एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। लेकिन यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो बाहर में नॉर्थ से साउथ होता है, लेकिन अंदर में बच्चों क्या होता है साउथ से नॉर्थ। इसका सही आंसर है और फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो 12 का आंसर है 2 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों इसमें देखिए। इसमें 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि वर्टिकल जो कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, बोले तो बीवी का मान दिया हुआ है। बीवी होता है बी आपका बी साइन डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा डिपो दिखा रहे हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होता है बीएच इक्वल टू बी कॉस डेल्टा। क्वेश्चन में दे दिया है कि जो वर्टिकल है बीवी जो है वो 3 times है, √3 times है किसका, हॉरिजॉन्टल का। तो यहां से बीवी का वैल्यू पुट कर देंगे बी साइन डेल्टा इक्वल टू √3 बी कॉस डेल्टा। बी से बी कट गया और कॉस को इधर ले आएंगे तो साइन डेल्टा बाई कॉस डेल्टा हो जाएगा यहाँ पर √3। साइन बाई कॉस होता है 10 डेल्टा इक्वल टू √3। √3 किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर 13 का आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है इसमें कि यदि कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स आपसे पूछा गया, नंबर ऑफ टर्न्स एन है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसमें प्लेन लेकिन हाँ कंडीशन है पैरेलल है। जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये आपका, और पैरेलल आप यदि इसको परपेंडिकुलर रखोगे तो मैक्सिमम यहाँ पर मैक्सिमम जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा और ये इसके बीच होगा, तो एंगल यहाँ 0 डिग्री बनता है। लेकिन एरिया वैक्टर जो होता है यहाँ पर डी एस वैक्टर जो होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बीच 90 बनता है यहाँ पर। लेकिन ये केस हो गया परपेंडिकुलर वाला, यहाँ पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री। यहाँ मैक्सिमम फ्लक्स पास होता है लेकिन पैरेलल जब रहेगा तो वहाँ फ्लक्स समान 0 होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 14 का आंसर होगा 4 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द वायर, ये तो क्लास 10th का चीज था जी। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये बताता है इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आपको पता होना चाहिए कि जो थंब और मिडिल फिंगर और फोर फिंगर को हम लोग यदि इस तरह रखें कि तीनों का एंगल बीच 90 डिग्री हो, तो आपका यदि
एक आपका यदि आपका ये फोर्स का डायरेक्शन दिखाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा, तो एक जो फिंगर आपका वो आपका दिखाएगा करंट का डायरेक्शन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है इसमें, 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों देखिए इसमें, कि जो आपका वैल्यू होता है ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन का एम इक्वल टू होता है बच्चों म्यू नॉट एन वन एन टू ए बाई एल। तो यहाँ पर होता है नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को दोनों को इंक्रीज दो गुना बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर, इसका भी टू टाइम्स बढ़ा देंगे, इसको भी टू टाइम्स बढ़ा देंगे, तो टू टू जगह हो जाएगा बच्चे फोर टाइम्स। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए नंबर फोर टाइम्स। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाए होंगे, कि हम आपको सिखाए थे कि एसी में जब भी जो वैल्यू दिया रहता है ये आरएमएस वैल्यू रहता है, तो वी आरएमएस आपका दिया हुआ है 220 वोल्ट और आई आरएमएस पूछा गया, तो आई आरएमएस क्या हो जाएगा बच्चों वी आरएमएस वी बटा आर। तो वी आरएमएस दिया हुआ था 220 और आर का वैल्यू दिया हुआ था 100। इसका जो सिंपल आंसर हो गया 2.2 एम्पियर, इसका जो थर्ड नंबर सही आंसर है 2.2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है LCR सर्किट में क्या होगा, तो यहाँ पर जो tan phi होगा, जो फेज एंगल होता है वो होता है XL माइनस XC बाई R। 18 का होगा आंसर ए नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये हम जो लास्ट में हम दिखाए थे आप लोगों को बच्चों, ये हम 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए थे, उसमें ये क्वेश्चन बताए थे कि जो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होता है वो गामा रे का होता है, सबसे कम रेडियो वेव का होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का फोर नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है इसमें कि फोटोग्राफी में कहाँ फॉग में, तो इंफ्रारेड का यूज होता है फोटोग्राफी इन फॉग में, ये एप्लीकेशन था इंफ्रारेड का। वर्चुअल इमेज जो होगा किसमें लार्जर बनता है ऑब्जेक्ट से, तो बच्चा कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि वर्चुअल इमेज बहुत सारे केसेस है जब रियल इमेज बनता है, लेकिन एक स्पेशल केसेस रहता है इसमें जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, तो यहाँ पर जो इमेज बनता है आपका, यहाँ पर जो इमेज बनता है वो आपका बिहाइंड द मिरर बनता है, और जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, बड़ा बनता है। इसका जो सही आंसर है कॉनकेव मिरर, इमेज वर्चुअल बन रहा है और बड़ा बन रहा है, लार्जर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखिए, इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं हम लोग एक मैग्नीफाइंग ग्लास को बोलते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस को बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच रखा जाता है, तो यहाँ जो इमेज बनता है किस तरह का इमेज बन सकता है आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर जो इमेज बनेगा ये फोकस से पास करेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा, तो ये अपीयर्स टू मीट करता है पीछे साइड जाके, तो ये इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है या इमेजनरी बनता है और इरेक्ट बनता है। इसका सही आंसर 22 का वन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 23 क्या बोलता है, विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बच्चों। यहाँ पर बोलता है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब हम इंक्रीज करेंगे वेवलेंथ, तो स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, घटेगा, क्योंकि स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसा रिलेशन था, उल्टा रिलेशन होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एयर का एन का वैल्यू क्या होता है 1, वाटर का कितना होता है बच्चा, वाटर का होता है 1.33, आपका ये ग्लास का कितना होता है, ग्लास का 1.5। तो यहाँ पर ऑब्जर्व का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसमें लाइट का स्पीड अधिक है, और जिसका लाइट का स्पीड और वेवलेंथ पे कैसा रिलेशन होता है डायरेक्टली, तो जिसका वेवलेंथ अधिक है उसमें लाइट का स्पीड या वेवलेंथ अधिक है, तो यहाँ बोलता है कि इंक्रीज वेवलेंथ बढ़ा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या तो घटेगा। इसका आंसर हो जाएगा 23 का टू नंबर आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें, कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स का कॉन्सेप्ट कौन दिया था, हाइजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, तो इसका आंसर है थर्ड नंबर, 24 का थर्ड नंबर आंसर। 25 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन था, रेशियो दिया हुआ था इंटेंसिटी का 9:1, तो हम बच्चे लोग क्लास में सिखाए थे कि बहुत ही आसान तरीका होता है रेशियो निकालने का, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम निकालने का। पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया 1 का स्क्वायर, तो जो इसमें आता है एक बार 3 एक बार जोड़ देते हैं, एक बार माइनस करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, तो 3+1 4 और 3-1 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कटेगा तो 2/1 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4:1। इसका सही आंसर है 25 का थर्ड नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें देखिए, कि इसमें 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड जो ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो वह कंडीशन था बच्चा कि जो एंगल हम लोग ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वो एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बराबर होता है। तो ये कंडीशन कब होता है, जब ये दोनों कंडीशन आता है रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड आपका परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ से म्यू निकाल लीजिए और एंगल ऑफ पोलराइजेशन दिया हुआ है 60, तो 60 का मान होता है √3। इसका जो सही आंसर है 2 नंबर, 26 का आंसर होगा 2 नंबर।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए बोलता है इसमें सबसे मिनिमम वर्क फंक्शन क्या होता है। तो जितना भी अल्कली मेटल होता है जो शुरू का फर्स्ट ग्रुप में हो गया आपका, जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, सीजियम, सबसे कम तो सीजियम का होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में पोटासियम नहीं है, सोडियम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 27 का 4 नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ का दिया हुआ है, ये एसोसिएट कर रहा है 25 वोल्ट से 26 वोल्ट से। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला होता है, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 12.27 अंडर रूट वी। अब यहाँ पर देखिए वेवलेंथ और वोल्टेज में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली है। तो यहाँ लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा रूट वी 1, सॉरी रूट वी 2, यहाँ पर उल्टा रिलेशन लिखना आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट वी 2 बाय रूट वी 1। तो रूट वी 2 कितना बचा, वी 2 माने इसको, तो 36 का स्क्वायर रूट और ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, 36 कितना जाएगा 6/5। तो इसका सही आंसर है 28 का 4 नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि बोट्स मॉडल क्या बोलता है। तो बोट्स मॉडल क्या बोलता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा वो एन एच बाई 2 पाई के बराबर होता है, ये बात बताया था। इसका सही आंसर है 29 का ए नंबर आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, डायरेक्ट आसान क्वेश्चन था कि रेडबर्ग कॉन्स्टेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो 30 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर पर मीटर, इसका रेडबर्ग का पर मीटर। मीन लाइफ और हाफ लाइफ में एक रिलेशन होता है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 इनटू मीन लाइफ। तो यहाँ पर 0.693 हो गया और मीन लाइफ आपका दिया हुआ है कितना, 100। तो ये हो गया 100, इसका आंसर हो गया 6.93। इसका सही आंसर हो गया, सॉरी आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.1020 कट जाएगा, 3 जीरो आएगा ना यहाँ पर, 1 जीरो, 69.3। हाँ, इसका इसमें जो सही आंसर होगा, इसको जब सही से डिवाइड करोगे अब इन 200 करोगे, 69.3 होगा बच्चा सेकेंड। तो इसका सही आंसर है 3 नंबर, 31 का 3rd नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोई भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आपका दिया हुआ है आर ए, और ये दिया हुआ है 88, और ये दिया हुआ है 226। अब अच्छा, जो ये होता है एटॉमिक नंबर, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और ये होता है मास नंबर, मास नंबर आपका 226 दिया हुआ है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या होता है कि मास नंबर में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को हटा देंगे, तो 226 में 88 घटाएंगे, ये आपका आ जाएगा 138। इसका आंसर है 2 नंबर, 138 न्यूट्रॉन हो जाएगा और 88 प्रोटॉन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जीनर डायोड कब काम करेगा, तो ये रिवर्स बायस में काम करता है, इसका सही आंसर है 2 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है सेमीकंडक्टर का, बॉन्ड टूटने के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट करते हैं, वो कंडक्शन को बढ़ाते हैं, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस घट जाता है। तो 34 का 2 नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, ये नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन आपका है 35 नंबर क्वेश्चन है कि एन टाइप बनाना है, तो सेमीकंडक्टर को 2 भाग में बांटा गया, एक एन टाइप और एक पी टाइप, एक एन टाइप और एक पी टाइप। पी टाइप में हमेशा ट्राइवेलेंट हम लोग डालते हैं, पी टाइप में, एन टाइप में पेंटावेलेंट। इसका सही आंसर है 4 नंबर। और आप मिला लीजिए बच्चों, और इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।